सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और मार्केट में खूब सारी हरी सब्जियां अवेलेबल है, तो मैंने आज बनाया है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पालक पनीर, बहुत ही क्रीमी और बहुत ही टेस्टी। शुरू करते हैं रेसिपी को। तो यहाँ पर मैंने लिया है पालक, जिसे कि मैंने साफ कर लिया है। यहाँ पर मैंने 800 ग्राम के करीब पालक लिया था और क्लीन होने के बाद तकरीबन 300 से 400 ग्राम हमारा जो पालक है वो है। और मैंने ना पालक के सिर्फ पत्ते लिए हैं, स्टेम्स ज़्यादा नहीं ली है। तो पालक को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बड़े बाउल में धोने के लिए, क्योंकि पालक में खूब सारी मिट्टी होती है। तो इसे हम अच्छे से 3 से 4 बार रनिंग वाटर में वॉश करेंगे ताकि जितनी भी मिट्टी हो ना वो निकल जाए। पालक हमारा वॉश हो चुका है और मैंने गैस पर पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया था, तो इसमें हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं पालक को। पालक को हम ब्लांच करेंगे सिर्फ 1 मिनट के लिए। 1 मिनट में ही आप देखेंगे कि पालक का जो कलर है हल्का सा डार्क ग्रीन हो जाएगा, तो इसे हम लिड से कवर कर देते हैं ब्लांच होने के लिए। 1 मिनट हो चुका है, पालक को चेक करते हैं। आप देख सकते हैं पालक का कलर ना हल्का सा डार्क ग्रीन हो गया है। बस हमें इसे इसी स्टेज तक बॉयल करना है, इसे हम निकाल लेते हैं। इस स्टेज पर कुछ लोग कहते हैं कि हमें पालक को ठंडे पानी में डालना चाहिए ताकि उसकी प्रोसेसिंग रुक जाए और हमारे पालक पनीर का कलर हरा बना रहे, लेकिन मेरे पालक पनीर का कलर बहुत बढ़िया आता है और मैं इसे ठंडे पानी में भी नहीं डालती हूँ, तो देखेंगे वो कैसे। तो इसे बस ठंडा होने देंगे। अब हम एक कढ़ाई में ऐड कर लेते हैं 2 मीडियम साइज के प्याज, जिसे मैंने रफली चॉप किया है, साथ ही 2 मीडियम साइज के टमाटर, उसे भी हमें रफली चॉप करना है। अदरक लहसुन और मिर्ची, मिर्ची यहाँ पर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। साथ ही इसमें हमारे जाएंगे 2 तेज पत्ते यानी कि बे लीफ। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 कप पानी यानी कि 3/4 कप और इसे हम गैस पर बॉयल होने के लिए रख देंगे। तो लिड से कवर कर देते हैं, इसे हमें 3 से 4 मिनट के लिए बॉयल करना है। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, चेक करते हैं। आप देख सकते हैं प्याज टमाटर हमारे अच्छे से बॉयल हो चुके हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, हमें यही टेक्सचर चाहिए। अब इसमें से हम क्या करेंगे ना कि बे लीफ को निकाल देंगे, क्योंकि बे लीफ का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, अगर उसे हम पीसेंगे तो हमारी सब्जी में कड़वापन आ जाएगा। तो अब प्याज टमाटर को हम ट्रांसफ़र करते हैं हमारे मिक्सी के जार में। इसे हम ग्राइंड कर लेंगे, लेकिन आप इसे ठंडा करके पीसिएगा, नहीं तो हाथ पर छींटे आने का डर रहता है। अब एक बाउल में हम ऐड कर लेते हैं 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच देगी मिर्च पाउडर, साथ ही जाएगी 1 टीस्पून कस्तूरी मेथी। सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून पानी और इसका एक घोल बना लेंगे। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि जब हम तेल में अपने मसाले डालें तो हमारे मसाले जले ना। कढ़ाई में डाल लेते हैं 1 टेबलस्पून ऑयल, साथ ही डालेंगे बटर ताकि हमारा जो बटर है ना वो जले ना, 1 टेबलस्पून, और बटर को मेल्ट होने देंगे। बटर मेल्ट हो चुका है, इसमें हम डाल लेते हैं 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा। जीरे के क्रैकल होते ही इसमें हम डालेंगे हमारे मसालों का पेस्ट जो हमने बना कर रखा था। अगर इस स्टेज पर मसाले डालते ना तो मसाले जल जाते, तो बस इसे अच्छे से भूनेंगे और 1 से 2 मिनट में ही आप देखेंगे कि मसाले हमारा ऑयल छोड़ देंगे। कुछ देर हुई है और मसालों ने अच्छे से ऑयल को रिलीज कर दिया है। अब इसमें हम डालेंगे प्याज टमाटर की प्यूरी जो हमने बना कर रखी थी। प्याज टमाटर को हम मसालों के साथ भूनेंगे 3 से 4 मिनट के लिए ऑन लो टू मीडियम फ्लेम, तो इसे हम लिड से कवर कर देते हैं। कुछ देर हुई है मसालों को पकते हुए और जितना भी एक्स्ट्रा वाटर था वो सारा एब्जॉर्ब हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 कप मलाई, ये मैंने ताज़े दूध की मलाई ली है, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मलाई को भी हम ग्रेवी में अच्छे से पकाएंगे 2 मिनट के लिए, तो लिड से कवर कर देंगे। 2 मिनट हुए हैं ग्रेवी को पकते हुए और इसका कलर बहुत बढ़िया आया है। इस स्टेज पर हम डाल लेते हैं पालक की प्यूरी, जिसे कि हमने पीस कर रखा था। मिक्स करेंगे इसे हम अच्छे से ग्रेवी में। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 कप दूध, तो मैंने मिक्सी के जार में डाल लिया है ताकि सारा हमारा जितना भी पालक लगा था ना वो आ जाए। इसे हम अच्छे से करेंगे मिक्स। अब इसमें हम एक उबाल आने देते हैं, तो लिड से कवर कर देंगे। हमारी ग्रेवी में उबाल आ चुका है और इसमें आप ध्यान रखिएगा कि इसमें से ना छींटे उड़ते हैं, आपके हाथ पर आ सकते हैं, आपका हाथ जल सकता है। इसमें हम डाल लेते हैं 200 ग्राम पनीर, जिसे कि मैंने इस तरह के क्यूब्स में कट किया है।
अब इसमें हम ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर आधा छोटा चम्मच और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे हमारी ग्रेवी में। इसे अब हमें पकाना है ताकि जो हमारा पनीर है उसके अंदर हमारे सारे फ्लेवर्स चले जाएं, तो लिड से कवर कर देंगे। कुछ देर हुई है हमारी ग्रेवी को पकते हुए और इसमें से बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है और हमारा पालक पनीर बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बिल्कुल क्रीमी है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। अभी एक छोटा सा काम बाकी है, तो मैंने एक करछी में देसी घी को गरम कर लिया है, उसमें हम डाल लेते हैं थोड़ा सा देगी मिर्च पाउडर ताकि हमारी सब्जी पर कलर बहुत बढ़िया आए, और इसे हम डाल लेते हैं हमारी ग्रेवी पर। इस स्टेज पर आप देसी घी जरूर डालिए, देसी घी सब्जी के स्वाद को इतना बढ़ा देता है, और वैसे भी हमारे इंडियन रसोई में अगर हम ऊपर से देसी घी ना डालें ना तो सब्जी में मजा ही नहीं आता है। तो हमारी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल पालक पनीर बनकर तैयार है। इसका टेक्सचर देखकर लग रहा है ना कि हम बाहर से लेकर आए हैं, तो चलिए इसे फटाफट से सर्व करते हैं। रोटी, पराठा या फिर नान, किसी भी चीज के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।